हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बेंजीन, क्योंकि इस सेक्शन में हमको बेंजीन फिनॉल के बारे में पढ़ना है, यानी फिनॉल पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। इस सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे कि फिनॉल पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। जैसे हम पिछले वीडियो में कवर किए हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन किए थे। अगर हमको एसिड चाहिए तो हम क्या करते थे, हाई ऑक्साइडिंग पावर वाले ऑक्साइडिंग एजेंट को यूज़ करते थे, जैसे KNO4 हो गया, K2Cr27 हो गया, OCmO4 हो गया। इस सब को हम इस्तेमाल करते थे, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था। वहीं अगर हम PCC CrO3 कॉपर एंड हीट या कॉपर 573K अगर इस्तेमाल करते थे तो हमको एल्डिहाइड मिलता था। वहीं अगर 2D पर हम किसी को इस्तेमाल करें हम तो हमको कीटोन ही मिलता था। वो सेक्शन हम कवर कर चुके हैं। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आखिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही जनरली होता है, न्यूक्लियोफिलिक रेयरली होता है। बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जनरली ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के ऊपर नहीं होगा हमारा। तो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा कैसे होता है। अब देखिए आपके पास क्या है, बेंजीन। अब बताइए आप हमको इस बेंजीन पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा या न्यूक्लियोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल किसको कहेंगे या न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता था, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता था। डिफिशियंट का मतलब जिसके पास ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हो गए। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस को कौन अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या ऑक्टेट कंप्लीट होने के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसका भरा पूरा हो, तभी वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो। लेना देना जब भी होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो अब इसमें हमको ये बताइए कि क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये इंडिकेट किए ई से इलेक्ट्रोफाइल, एन यू से न्यूक्लियोफाइल। ई का प्लस चार्ज है, मतलब दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट या चार्ज प्लस भी हो भी सकता है। ये दिखाता है कि निगेटिव चार्ज या लोन पेयर किसी के पास हो सकता है। अब बताइए ये इसको अट्रैक्ट करेगा या ये इसको अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। कौन अट्रैक्ट करेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल को ये अट्रैक्ट करेगा या इलेक्ट्रोफाइल को ये अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखिए आपको ये क्या है, इसको ये इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरा रोटेट होते रहता है, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हमारा रोटेट होते रहता है। तो अब ये है, इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जैसे ही इसके पास जाएगा तो क्या होगा हमारा, कि इसके और इसके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे इसके पास आएगा तो ये क्या करे, खींचेगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर इसके बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लग जाएगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, या इलेक्ट्रोफाइल पता भी चले या नहीं भी पता चले। अगर कोई कहता है क्वेश्चन कि बेंजीन का, सिंपल सा बात है, अगर बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब बढ़ेगा, ये जितना अट्रैक्ट करेगा, ये कब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा इसके अपनी तरफ, तो अटैक करेगा। यानी कि जितना भी डोनर ग्रुप होगा वो क्या होगा, उसके अंदर
इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो भी डोनर ग्रुप होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी जो भी डोनर ग्रुप होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कब, अगर सवाल समझ में आए चाहे नहीं है, आप ट्वेल्थ को हों, जल्दी आप लोगों को ऑप्शन में ही दे देता है, क्वेश्चन में ही दे देता है कि ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा देता है। सिंपल सा है, अगर पता है कि एम इफेक्ट है या आई इफेक्ट है, यानी मेजोमेरिक इफेक्ट है या इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ठीक है, नहीं तो इतना ही लिख दीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तभी वो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा सकता है। अब सवाल है, अगर कोई ग्रुप खींचने वाला है तो किसको, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा, घटाएगा। अब हम फिनोल के अंदर देखेंगे, तो फिनोल हमारा है, वैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, OH ग्रुप क्या होगा हमारा, तो फिनोल ग्रुप हमारा अगर है तो OH क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो फिनोल में OH ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इनक्रीज कर देगा, ठीक है। अब ये भी सवाल है कि कहाँ पर जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो ये ग्रुप जैसे है, ये कौन सा पोजीशन हमारा है, ऑर्थो, ये क्या है, मेटा, ये भी ऑर्थो, ये भी मेटा, और ये पारा, ऑर्थो मेटा पारा तो जानते ही है, मतलब जहाँ सबको ग्रुप लगा हुआ है उसको हम इप्सो बोलते हैं, उसके जस्ट बगल वाला आपको ऑर्थो होगा, उसके जस्ट बगल वाला आपको मेटा होगा, और उसके अपोजिट आपको पारा होगा। अगर ग्रुप यहाँ स्टार्ट हुआ तो ये इप्सो होगा, ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पारा हो जाएगा। यहाँ स्टार्ट होगा तो ये ऑर्थो होगा, और यहाँ स्टार्ट कर रहे थे ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा हो जाएगा। इस तरह से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये से इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक, तो ये जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो दिखाइए, इसको हम दिखा देते हैं कि ये जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी बॉन्ड टूटता है इलेक्ट्रोलाइटिकली तो उसको यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसको हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहते हैं। अब तो ये हमारा टूट गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो ये जैसे ही क्या है कि ये ऐसे आया होगा तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ा होगा, ये लोन पेयर देके बॉन्ड बन गया, तो यहाँ क्या आया होगा, नेगेटिव आया गया होगा, ठीक है। फिर इस नेगेटिव को यहाँ पॉजिटिव चाहिए तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ेगा, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब फिर ये इसको यहाँ बॉन्ड बनाना है इसके साथ, यहाँ क्या पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए इसको इधर जाना था, यहाँ नेगेटिव आएगा और ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली ऐसे क्या है, ये ऊपर से न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ क्या प्लस छोड़ेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, उस ढंग से होगा, तो ये OH हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसमें अंतर ये है कि इसका पाई की पोजीशन चेंज हो, ये पोजीशन यहाँ आ गया है, ये यहाँ आ गया रोटेट करके, ठीक है, और ये यहाँ पहुँच गया रोटेट करके, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये जैसे ही रेजोनेंस किया तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यानी कि कहाँ आ रहा नेगेटिव, ऑर्थो पे, पारा पे, फिर ऑर्थो पे, यानी तीन पोजीशन पर हमारा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस तीन पोजीशन पर नेगेटिव आया तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जो होगा, आने वाला ग्रुप कहाँ पर लगेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए कहता है कि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो कहाँ पर करेगा, उसका सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो या पारा होगा, या तीनों पोजीशन हो सकता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें पहला दिया हुआ है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन
यानी कि एनोटो ग्रुप का लगना। OH दिया हुआ है आपका, ठीक। अब HNO3 लिखेंगे डाइल्यूट नाइट्रेशन। डाइल्यूट के साथ नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा इसके अंदर, किसके अंदर, एक OH के साथ यहाँ NO2 बनेगा और दूसरा यहाँ बनता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है विच अमोंग इज अमोंग द स्टीम वोलेटाइल, इसके अंदर कौन स्टीम वोलेटाइल होगा हमारा। तो देखिए इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड समझते हैं आप लोग। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड किसको कहते हैं? इंटरमोलिकुलर का मतलब ऐसे समझिए कि इंटरनेशनल देश होता है और दो देश के बीच में, इंटरस्टेट दो स्टेट के बीच में, इंटर स्कूल दो स्कूल के बीच में, इंटर का मतलब दो होगा, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, दो होना चाहिए। और इंट्रा होता है विद इन द मॉलिक्यूल। अब देखिए जब इंटर होता है तो दो होता है उसमें, यानी कि चेन बनते जाएगा मतलब ना, और इंट्रा होता है विद इन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। आप बताइए एक मॉलिक्यूल और चेन ऑफ मॉलिक्यूल किसका मल्टी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? चेन ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर, उसको बॉयल करना मतलब उसको सबको अलग करना ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा मतलब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसमें इंटर किस में होगा, इंट्रा किस में होगा, तो इसके अंदर हम देखते हैं ये हमारा ऐसे हम लिख दिए, ठीक। इस दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ये क्या होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर ऐसे हो जाए तो देखिए इसके बीच में आपस में एच बॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये क्या होगा चेन बन दिया जाएगा, इस तरह से आगे बनेगा, तो ये क्या होगा इंटरमोलिकुलर, दो का इसमें हो गया। ठीक है, इसमें दो मॉलिक्यूल बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या हो गया इंटरमोलिकुलर हो गया। तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। तो इस दोनों में आपको ये क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसका होगा ये जल्दी वोलेटाइल, जल्दी वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो ये ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इसका क्या होगा, ये स्टीम वोलेटाइल होगा। अगर लिखना होगा तो सिंपल लिखिएगा ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ओ नेट्रोफिनॉल इन स्टीम वोलेटाइल ठीक है। तो ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा, मतलब जल्दी वेपराइज हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा जल्दी वेपराइज होएगा, किसके चलते ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के चलते, तो इसलिए हो गया इसके अंदर। अब इसी में अगर डाइल्यूट यूज़ किए कौन के यूज़ करें तो क्या होगा इसके अंदर, अब इसमें क्या होगा कॉन्क अगर देंगे तो क्या हो सकता है इसके अंदर, कॉन्क देंगे तो क्या होगा इसके अंदर। अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि हमारा ये रेजोनेंस करता है तो क्या होता है, नेगेटिव कहाँ कहाँ लाता है,
यहाँ यहाँ लाता है। तो कॉन्ग का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन, माने उसकी जो मात्रा है उसका कंसंट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे नेगेटिव बनेगा तो आपका जो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है HNO2 में जो है आपको जो है HNO2 3 के अंदर आपको ये NO2 जो होता है आपको इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होता है। तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होता है तो क्या होगा, अगर कंसंट्रेटर है मैं उसकी अमाउंट ज़्यादा है, जैसे नेगेटिव बनते जाएगा वो क्या होगा वहाँ पर बॉन्ड बनाते हुए चले जाएगा। इसकी अगर पिछला केस में डाइल्यूट डाले थे तो उसका कंसंट्रेशन कम हुआ तो हर जगह वो नहीं बनाएगा, इसीलिए हम उसमें अल्टरनेट बनाते हैं। लेकिन जैसे ही कॉन्ग डालेंगे हम तीनों पोजिशन ले लेगा। तो हमारा कहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, ये तीन पोजिशन पर आपको कंसंट्रेशन लगेगा। इसको आप पिक्रिक एसिड भी कहते हैं या 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल कहते हैं। तो इसमें कॉन्ग के केस में हम देख लिए कि कॉन्ग के केस में हमारा क्या होता है, तीनों पोजिशन पकड़ लेता है हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है HNO3 का, कॉन्ग के HNO3 लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव बनेगा वहाँ क्या होगा, वो बॉन्ड बनाते हुए चल जाएगा। इसलिए तीन जगह पर नेगेटिव हो रहा है, तीन जगह हमारा वो जाके बॉन्ड बना लेगा। आप देखते हैं इसके अंदर जो दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे थे। एनसीईआरटी के हिसाब से आप देखते हैं इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपको, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन दिया हुआ है, आप बताइए कि हैलोजन ग्रुप कहाँ लगेगा इसके अंदर, कहाँ पर लगेगा हैलोजन, अगर हैलोजन लगाएंगे हम तो कहाँ पर लगेगा इसके अंदर हैलोजन, ठीक है। तो अभी हम देखें कुछ देर पहले इसके अंदर अगर हैलोजन लगाएंगे इसके अंदर Br2, अगर मीडियम आपका नॉन पोलर हो, ये कौन सा मीडियम है, नॉन पोलर मीडियम है, तो पोलर मीडियम और नॉन पोलर मीडियम जानते ही होंगे कि नहीं जानते ऐसे समझिए। पोलर किसको कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अब कुछ लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं, ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होता है। तो ऐसे समझिए कि वैद्य आपका एच सी एल दिया हुआ है, एच और सी एल में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सी एल, क्योंकि आपके पीरियड टेबल के अंदर सी एन ओ एफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ता है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन तो इसका लगभग 2.5 होता है, 3.5 और 4 होता है, तो इस दोनों का लगभग लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो H से ज़्यादा तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होल्ड इलेक्ट्रॉन करना होता है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा तो क्या इसके अंदर नेगेटिव आ जाएगा इस बॉन्ड पेयर का, हाँ पॉजिटिव आ गया, तो दो पोल हो गया, ये क्या हो जाएगा, पोलर हो गया, डायपोल है तो पोलर कहलाएगा। तो जिसके अंदर ई एन डिफरेंस हो, जिससे एक्चुअली डायटोमिक केस, पोलियोटॉप केस में बहुत सारी चीज़ देखा जाता है, स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायटोमिक केस में जिससे ई एन डिफरेंस हो, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो पोलर मीडियम क्या करता है, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, तो यानी कि कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है या निगेटिव चार्ज बन रहा है कहीं पर, वहाँ पर जाएगा क्या होगा, अगर कहीं पॉजिटिव बन रहा है तो निगेटिव थ्रू अटैक हो जाएगा, और कहीं निगेटिव बन रहा है तो पॉजिटिव थ्रू अटैक हो जाएगा। तो उस तरह से क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल पोलर को एक दूसरे को अटैच हो जाता है, यानी कहा जाता है कि सॉल्वेशन हो जाता है, यानी घुल जाता है, तो पोलर पोलर में सॉल्वेट हो जाता है। अब नॉन पोलर आएगा तो इसमें कोई, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है दोनों सेम है, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो कोई चार्ज नहीं आएगा तो ये नॉन पोलर हो गया, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये किसको सॉल्वेट करेगा, यानी सेम वाले को, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो नॉन पोलर को सॉल्वेट करता है, या नॉन पोलर मीडियम उस मीडियम को बढ़ाएगा जिसमें कोई ई एन डिफरेंस नहीं हो, डायटोमिक केस में, अदर केस में स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है पॉलीटोमिक केस में। तो नॉन पोलर क्या करेगा, ऐसे समझिए कि नॉन पोलर को सॉल्वेट करेगा। तो यहाँ हम नॉन पोलर दिए, तो अभी हम यहाँ देखिए हमारा क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बन रहा था और वो इस पर पॉजिटिव बन रहा था हमारा, तो नेगेटिव बन रहा था तो
क्या होगा हमारा, नेगेटिव बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। जैसे हम पिछले केस में हम देखे थे कि हम रेजोनेंस करवाए थे तो हमारा क्या हुआ था, वो था इस ढंग से हमारा यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, थोड़ा सा हमारा आगे बढ़ते गए, यहाँ माइनस हो गया था, यहाँ प्लस माइनस बन रहा है ना। तो प्लस माइनस जब हमारा बन रहा है तो यानी कि कोई प्लस माइनस वाला ग्रुप होगा, तो ये प्लस बन रहा है तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये माइनस बनाएगा इसके साथ बनेगा, तो ये बहुत सारा मॉलिक्यूल है तो कुछ इसके साथ कुछ इसके साथ बनेगा। लेकिन ये हमारा क्या है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो क्या होगा इसके अंदर, तो नॉन पोलर क्या करेगा, इसके निगेटिव चार्ज को सॉल्वेट नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका जो बॉन्ड बनेगा इसको नाइट्रेशन जो होगा आपका वही एक ऑर्थो बनेगा एक पैराको बनेगा। और हम जानते हैं कि हमेशा जो है पारा पर क्या होता है हमारा मेजर होता है। अब इसी केस में हमारा क्या होगा, इसी केस में हम क्या करें कि हम डाल दें यहाँ पे पोलर मीडियम डाल दें तो क्या होगा हमारा। अब यहाँ पर हम पोलर डाल देंगे, हम Br2 के साथ वाटर डालते हैं, अगर NCERT के हिसाब से देखिए तो 3Br2। तो क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस 3Br2 या यहाँ लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए। हम क्या किए यहाँ पर, अभी H O मोक टू नीडी, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, इस तरह से हमारा ये H बॉन्डिंग बनाया। तो यहाँ पर देखिए ये इंटरफेस है ना, पोलर हो गया, ये पोलर होगा तो इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा था हमारा तो उसको क्या करेगा, उसको क्या करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव के थ्रू और नेगेटिव को पॉजिटिव के थ्रू क्या करेगा, उसको सॉल्वेट कर देगा। यानी कि आपको जिस पोजीशन पर बॉन्ड नेगेटिव बनाए सब क्या हो जाएगा, आपको ये सब ग्रुप चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, तो वहाँ पर क्या हो, नेगेटिव स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आपको Br2 को चांस मिल जाता है कि तीनों पोजीशन पे अटैक करे, इसलिए इस केस में हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहाँ ब्रोमीन लगेगा, कहाँ कहाँ नेगेटिव बनता था, तीनों पोजीशन पे नेगेटिव बनता था, क्या बनेगा, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, तो ये हमारा इसके अंदर बन गया। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट पे क्या अंतर पड़ता है, या कॉन्क या डाइल्यूट पे क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर दो केस देखें। ठीक है, तो इसको हम इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट बाकी सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद।